हरे कृष्णा। तो भक्ति रसायन जी पर चर्चा कर रहे हैं सामान्य भक्ति के बारे में, प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में। तो हमने लगभग पूरी परिभाषा की चर्चा कर ली है, उसको हम थोड़ा सा और गहराई से आज देखेंगे, थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे। तो रूप गोस्वामी ने जो ये भक्ति की परिभाषा दी है, इसमें सब कुछ है ना। भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं वो कहाँ पर आते हैं, हमारा मनोवृत्ति कैसे होना चाहिए ना, भौतिक कामनाएं, कर्म और ज्ञान, उसका कहाँ पर स्थान है, केवल कृष्ण की पूजा करना है, गुरु कहाँ पर है, दीक्षा कहाँ पर है। तो इसके बारे में एक ही डेफिनेशन में रूप गोस्वामी ने सब कुछ बता दिया। तो ये एक तरह से क्या है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इन डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति में सेवा में एक ऐसा सूत्र है ना, जिसमें सब कुछ दिया हुआ, सब कुछ क्या है, पैक्ड है, पूरा एकदम बना हुआ। उसमें क्या करें, उसको अनपैक करें। तो ये जो डेफिनेशन है सभी को याद होना चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्यम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो श्री प्रभुपाद जी ने जैसे बताया, प्रभुपाद जी ने प्रारंभ किया था कि प्रथम कोटि की भक्ति कृष्ण भावना मृत में पूरी तरह से लगे रहकर भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति है ना। प्रथम कोटि की भक्ति मतलब उत्तम भक्ति, कृष्ण भावना मृत में पूरी तरह से लगे रहकर। कृष्ण भावना मृत में मतलब कृष्ण, पूरी तरह से मतलब अनु, लगे रहकर भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति है, अनुकूलेन। तो अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये भक्ति का क्या है, स्वरूप लक्षण। किसको भक्ति कहते हैं वो है नीचे क्या है, और जो ऊपर की लाइन है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादीनावृतम, वो भक्ति का क्या है, तटस्थ लक्षण, सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक। तो प्राइमरी करेक्टरिस्टिक और सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक, तो प्राइमरी करेक्टरिस्टिक और सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक। तो ये शुद्ध भक्तिमय सेवा की परिभाषा है, 1-11-1, ये भी 1-1-11, ये हमको याद रखना है। जब वैदिक साधन भक्ति की परिभाषा आएगी तो क्या आएगा, 1-2-1 है ना। तो श्लोक क्रमांक क्या है वो भी याद रखे तो अच्छा है। तो कृष्णानुशीलनम हमने देखा, जिसमें तीन शब्द थे, कृष्ण, अनु और शीलनम, ठीक है, कृष्ण अनु शीलनम। तो जो कृष्ण शब्द उपयोग किया है श्री रघु गोस्वामी ने, उस कृष्ण शब्द में सभी कुछ सम्मिलित है, कृष्ण भी है, अन्य अवतार भी है, विष्णु तत्व भी है, जीव तत्व भी है, स्वांश भी है और विभिन्नांश भी है। स्वांश मतलब विष्णु तत्व और विभिन्नांश मतलब जीव तत्व, और शक्तियां भी हैं, शक्तियां में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, ठीक है। तो कृष्ण या कृष्ण से संबंधित, निर्बंध कृष्ण संबंधित, कृष्ण से संबंधित। तो बलदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब कृष्ण अवतार या स्वांश में, और विभिन्न अंश में जीव आएंगे। तो सभी तरह के जीव हैं नहीं, उसको प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है, प्योर डिवोटीज, या गुरु है, आध्यात्मिक गुरु या वैष्णव, तो कृष्ण, कृष्ण से संबंधित, फिर गुरु, फिर वैष्णव, उनके अवतार और स्थान, ऐसे वृंदावन, कुरुक्षेत्र, उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं कुरुक्षेत्र। तो भक्ति क्या है, किसी भी कोई भी युद्ध हुआ है उसमें रुचि नहीं लेते, है ना,
है ना, जो भगवान से संबंधित है उसमें रुचि लेते हैं, इसीलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो जो शुद्ध भक्ति में सेवा है, हम भगवान के धाम की सेवा करेंगे तो कृष्ण की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे तो कृष्ण की सेवा होगी, अन्य अवतारों के लिए सेवा करेंगे तो कृष्ण की सेवा होगी, वैष्णव की सेवा करेंगे तो कृष्ण की सेवा होगी। अगर कृष्ण सप्त में केवल कृष्ण है, बाकी सबको हम छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कनिष्ठ मानसिकता रहेगी। और एक मायावादी है, कि मायावादी क्या करते हैं, कृष्ण और कृष्ण से संबंधित वस्तुओं को अलग अलग करते हैं, है ना। और एक कनिष्ठ मानसिकता क्या हो जाएगी, बस कृष्ण और कोई नहीं, मुझे ना तो भक्तों से लेना देना है, ना गुरु से लेना देना है, ना अन्य अवतारों से लेना देना है, तो कृष्ण के अंदर सब कुछ सम्मिलित है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन एक्सक्लूसिव भी है, इंक्लूसिव भी है ना, एक्सक्लूसिव कृष्ण और कृष्ण से संबंधित है, और इंक्लूसिव मतलब सब कुछ शामिल भी है, लेकिन किनकी हमें सेवा करना है वो भी रूप गोस्वामी यहाँ पर बता रहे। फिर है अनु, कृष्ण अनु शीलन, है ना। अनु के पहला अर्थ है कि पूर्ववर्ती आचार्यों को फॉलो करते हुए सेवा करना, तो गुरु शिष्य परंपरा के, तो भक्ति की परिभाषा में रूप गोस्वामी गुरु शिष्य परंपरा के बारे में भी बता रहे, ठीक है। तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत रह के ही हम सेवा करें, कोई सोचे कि मैं भगवान की डायरेक्ट सेवा कर लूंगा, या मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, या संप्रदाय में आने की आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्र रूप से मैं शास्त्र को पढ़े बिना किसी का मार्ग निर्देशन लिए बिना मैं भक्ति कर लूँ, तो वो क्या है, वो भ्रम में जीवन जीवन, वो अंधकार में जीवन जीवन, है ना। तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत रहते हुए, और दूसरा अर्थ क्या है अनु का, निरंतर कंटिन्यूस हमेशा अप्रतिहता, किसी भी भौतिक परिस्थिति में भक्ति रुकती नहीं है, है ना। अन्य सुख दुख मान अपमान, बीमार है स्वस्थ है, जैसी भी परिस्थिति है हमेशा अप्रतिहता, है ना, भक्ति कभी रुकेगी नहीं, हमेशा वो चलती रहे, और प्रमाणिक गुरु के निर्देशन, यह है दीक्षा। तो रूप गोस्वामी यहाँ पर शुद्ध भक्ति की परिभाषा में यहाँ दीक्षा सब उपयोग कर रहे हैं। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि कई महान भक्त हुए जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व जन्मों उन्होंने दीक्षा ली है और वो कंटिन्यू चलती आ रही है ना। और कई ऐसे भक्त हो सकते हैं कि वो आचार्य नहीं है, वो सिखाने नहीं आए हैं, अपनी एक साधना कर, तो प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में। प्रभुपाद जी क्या शब्द उपयोग कर रहे हैं, पर्सनल स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। तो जो ऋत्विक सिद्धांत है कि हाँ श्रील प्रभुपाद जी तक ही आध्यात्मिक गुरु है, उसके बाद आगे चल के लाइन में और कोई नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और जब भी हम गुरु की बात करते हैं तो इसमें दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों ही आ जाते हैं, अन्यथा अल्टीमेटली गुरु मतलब जो शिक्षा प्रदान करता है। तो ऐसा बताया जाता है जो दीक्षा गुरु है वो संबंध ज्ञान देते हैं मुख्यतः, और जो शिक्षा गुरु है वो अविधेय ज्ञान देते हैं। तो संबंध ज्ञान जो स्थापित कराते हैं, जो गुरु से परंपरा से संबंध स्थापित कराते हैं, वो दीक्षा गुरु, है ना। और दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक ही होते हैं, दीक्षा गुरु हमें अविधेय भी सिखाते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु मुख्यतः अविधेय बताते हैं, है ना। तो स्वतंत्र रूप से भक्ति नहीं की जा सकती, है ना। कोई सोच सकता है कि दीक्षा लेने से पहले जो हम माला कर रहे हैं उसका क्या होगा, हमने तो दीक्षा नहीं ली अभी तक, हमारे तो आश्रय भी नहीं हुआ, तो उससे पहले हमने जो भी माला किया या जो भी हमने भक्ति किया उससे क्या होगा, वो कहाँ पे गई, क्योंकि कृष्णानुशीलन अनुसर्त होना जरूरी है। तो कहने का मतलब क्या है, वो उसकी तैयारी है ना। जैसे कोई डिग्री ले रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, तो उसका अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसको बोल देते हैं कि हाँ ये डॉक्टर आ रहे,
इंजीनियर आना, अभी बना नहीं है, वो बनेगा वो 4 साल के बाद, 5.5 साल के बाद, लेकिन बोल चाल बोल देते हैं, है ना। तो ऐसे ही भक्त, तो वास्तव में भक्ति वास्तव में चालू होती है, वास्तव में दीक्षा से चालू होती है, क्योंकि दीक्षा से क्या जाता है, हमारे गुरु शिष्य परंपरा से एक ऑफिशियल संबंध जुड़ जाता है। लेकिन उस जुड़ने के लिए, उस योग्यता को भी प्राप्त करने के लिए कुछ तो तैयारी करनी होगी। जैसे आपको लाइसेंस मिलेगा, जैसे कि आपको क्लिनिक का लाइसेंस मिलेगा 5.5 साल के बाद, तो हम सोचे कि 5.5 साल के बाद ही लाइसेंस मिलने वाला है, तो ये सब उससे पहले जो एक्टिविटीज है वो सब व्यर्थ होगी, वो सब बेकार होगी। तो बेकार नहीं, वो उसकी तैयारी है। तो उसी तरह से दीक्षा के पहले जो हरिनाम किया जा रहा है, दीक्षा के पहले जो सेवाएं की जा रही है, वो सब क्या है, दीक्षा के लिए हमको तैयार करना, और दीक्षा से हमारा संबंध ऑफिशियली गुरु शिष्य परंपरा से बन जाता है। और फिर दीक्षा का एसेंस है शिक्षा, ऐसा नहीं दीक्षा एक ऑफिशियल स्टैंप हो गया, दीक्षा का एसेंस है शिक्षा। इसीलिए हमारी परंपरा पर प्रश्न आया था, इसीलिए हमारी परंपरा क्या है, शिक्षा परंपरा, दीक्षा परंपरा है। तो ये फिर प्रभुपाद जी ने बताया शीलन, है ना, सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन, है ना। तो शीलन क्या है, एक तरह का क्या है, कल्टीवेशन। तो इससे रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि भक्ति कोई निष्क्रियता नहीं है, भक्ति क्रियाओं को कम करना नहीं है, भक्ति में तो और ज्यादा क्रियाएं बढ़ जाती हैं। जो मायावादी होते हैं वो अपने शरीर से छुटकारा चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, मायावादी अपने इंद्रियों से छुटकारा चाहते हैं, है ना, सारी क्रियाएं बंद कर दो, सारी इंद्रियों के कार्य बंद कर दो, ये भौतिक शरीर बेकार है ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्त क्या होते हैं कि संसार की जितनी वस्तु लेके आ जाएंगे सब भगवान की सेवा में लगा देंगे, है ना। एक इंद्रिय क्या, और भी इंद्रिय होना चाहिए, गुरु गोस्वामी बोलते एक जीव पर्याप्त नहीं है हरिनाम लेने के लिए, और भी बहुत सारे जीव होना चाहिए, है ना। जहां दो कान पर्याप्त नहीं है, जहां जहां पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, जहां जहां भगवान की कथा चल रही है वहां वहां मैं सुन सकूं, इसलिए मेरे हजारों कान होना चाहिए। तो जो मायावादी है वो तो शरीर से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन भक्त क्या है, शरीर की गतिविधियों को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऊपर समझा रहे हैं, ओके। तो ये कल्टीवेशन है ना, इनएक्टिविटी नहीं है। अर्जुन भी क्या है, इनएक्टिविटी सोचते रहते हैं, लेकिन भगवान वहां समझाते हैं कि आत्मा का स्वभाव है सक्रिय रहना, आत्मा का गुण है कुछ ना कुछ कार्य करना, है ना। आत्मा के कारण तो शरीर जीवित है, तो आत्मा की जो सही तरह से क्रियाएं होंगी, शास्त्रों के अनुसार होंगी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए होंगी, उसी को कहते हैं भक्ति, है ना। कोई ऐसा कोई बहुत जटिल विषय नहीं, आत्मा की जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं वो है भक्ति, है ना। तो ये भक्ति क्या है, सॉर्ट ऑफ कल्टिवेशन, है ना। तो कल्टिवेशन में जैसे मैंने डिस्कस किया कि बहुत सारा चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, केवल क्रियाएं करना है तो क्रियाएं ऐसा नहीं चल रहा है कि अंधाधुन चल रही है, किसी भी तरह बस किए जा रहे हैं, बस सेवा अंधाधुन किए जा रहे हैं, उसमें कोई सावधानी नहीं बरतते। तो जैसे ही कल्टीवेशन शब्द आएगा तो अपने आप क्या जाएगा कि हमें सावधानी से करना है, है ना। बंदो मोहि सावधान मत, तो जैसे आता है कि गुरु की सेवा हम कर रहे हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक, है ना। सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, तो हम इनअटेंटिव हो जाते हैं, है ना। और अंतिम नाम अपराध क्या है, अभिप्रमाद, है ना, कि हरिनाम जप करते समय सावधानी ना रखना। तो केवल वो हरिनाम जप करते समय नहीं है, भक्ति की कोई भी क्रिया करते समय सावधानी ना रखना। ऐसा नहीं जब हरिनाम कर रहे हैं तब पूरा कंसंट्रेशन में, पूरा ध्यान से कर रहे हैं, और बाकी जब चीजें कर रहे हैं तो फिर हम ध्यान से नहीं करते, तो हर चीज ध्यान से करना। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर कल्टीवेशन शब्द उपयोग कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद लिखते हैं विदाउट एक्टिविटी कॉन्शियसनेस अलोन कैन नॉट हेल्प अस। तो इसके द्वारा प्रभुपाद जी सब किसको खत्म कर रहे हैं, साइलेंट मेडिटेशन, है ना, ध्यान करना, और भक्ति को समझना केवल एक भाव है, केवल एक इमोशंस है ना।
और भौतिक जगत से निकलना, कुछ कार्य नहीं करना, तो इन सब के द्वारा कॉन्शियसनेस अलोन कैन नॉट हेल्प अस, ना कुछ ना कुछ कार्य करना हो। फिर शीलना में हमने देखा जो हम कार्य करते हैं, जब हम अलग अलग तरह के कार्य करते हैं तो उन कार्यों में जब हम कल्टिवेशन करते हैं तो उनमें क्या होता है, एक होता है प्रवृत्ति और एक होता है निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो प्रवृत्ति का अर्थ है ऐसे कार्य जो अनुकूल है और ऐसे कार्य जो प्रतिकूल है वो निवृत्ति है ना। तो अनुकूल प्रतिकूल हम देखते हैं शरणागति, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जन, अनुकूल चीजों को स्वीकार करना और प्रतिकूल चीजों का बहिष्कार करना। जैसे कि एक रोगी है, एक बीमार व्यक्ति है, तो कुछ चीजों को वो खाएगा और कुछ चीजों का वो वर्जन करेगा। तो जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान की सेवा करने के लिए जो अनुकूल चीजें हैं उसको ग्रहण करना है और जो प्रतिकूल चीजें हैं उसका त्याग करना है ना। फिर प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, अनुकूल मतलब क्रियाएं कैसे की जाती हैं, शरीर मन और वचन से, शरीर मन और वचन। तो शरीर से कार्य कर रहे हैं अलग अलग एक्टिविटीज से, अलग अलग तरह से फिजिकल एक्टिविटीज से। मन मतलब थिंकिंग फीलिंग और बिलीव, विचार कर रहा है, अनुभव कर रहा है, निर्णय ले रहा है, योजना बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो ये सब किसमें आएगा, शीलन मन के कार्य, ठीक है। और वचन बोलना, तो वो किसमें आएगा, कीर्तन है ना। तो शरीर मन और वचन से अनुकूल और प्रतिकूल को ध्यान में रखते हुए अनुशीलन किया जाता है ना, कल्टीवेशन किया जाता है, शीलन किया जाता है। तो जो नवधा भक्ति है, जो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चना वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, तो ये सब किसमें आएगी, नवधा भक्ति शीलनम एक्टिविटीज, ये सब एक्टिविटीज हैं। हम श्रवण कर रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से सुन रहे हैं, कीर्तनम कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, या फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, विष्णु स्मरण मन से स्मरण कर रहे हैं, पाद सेवनम है ना, धाम धाम यात्रा कर रहे हैं, धाम जा रहे हैं, या तुलसी महारानी की सेवा कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, पाद सेवा। अर्चना डीटी वर्षिप कर रहे हैं, तो डीटी वर्षिप में शरीर के सारे अलग अलग अंग लग रहे हैं, मन लग रहा है, हाथ पैर लग रहे हैं, सफाई हो रही है, तो ये नवधा भक्ति है वो रूप गोस्वामी ने कहाँ दी है, श्रीनगर में दी। तो कोई सोच सकता है कि उन्होंने तो श्रवण कीर्तन के बारे में नहीं बताया, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भक्ति मतलब क्या है, नवधा भक्ति, और रूप गोस्वामी कह रहे हैं अन्याविलासिता सुख। तो इसका सामंजस्य कैसे बताया जाए, कि प्रहलाद महाराज तो एक उसका वो बता रहे हैं, एक दृष्टिकोण बता रहे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी ने सभी चीजों को उसमें शामिल कर लिया है ना। तो श्रवण कीर्तन और जो नवधा भक्ति है वो किसमें है, शीलन। और आगे चल के हम वैदिक साधना भक्ति के 64 अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे 64 अंगों में एक अंग है तुलसी महारानी की सेवा करना, एक अंग है धाम में वास करना, एक अंग है चरणामृत लेना, एक अंग है भक्तों का संग करना, एक अंग है प्रार्थनाएं करना, तो ये सब अलग अलग अंग है। तो ऐसे साधन भक्ति के 64 अंग हैं, तो ये 64 अंग किसमें आते हैं, शीलन अंग है ना। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कल हमने चर्चा किया था, ये जो रूप गोस्वामी श्लोक बता रहे हैं ये क्या है, परिभाष सूत्र है। परिभाष सूत्र मतलब इसी श्लोक के आधार पर पूरी पुस्तक लिखी गई। अगर ये श्लोक हमको नहीं पता है तो इतनी सारी चीजें आने वाली हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, तो हम कहीं सिंधु में खो ना जाए, हम कहाँ तैर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो हमको पता होना चाहिए है ना। ऐसे भागवतम का परिभाष सूत्र क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसके आधार पर पूरी भागवतम। एते चांस क्या है, कौन सा प्रारंभ कैसे होता है,
कृष्णस्तु भगवान सब इंद्रारी व्याकरण लोकम निर्णयंती युगे। तो ये इसके आधार पर पूरा भागवतम लिखा है। तो इसी तरह से ये श्लोक हमको क्लियर होगा तो हम अभी किस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं, कभी हम भाव भक्ति पर डिस्कशन कर रहे हैं, कभी हम अज्ञात स्थिति पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो अलग अलग कभी हम कनिष्ठ अधिकारी पर डिस्कशन कर रहे हैं, कभी मध्यम अधिकारी पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऐसा लगे इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें कैसे दिमाग में फिट रहेंगी, तो इतनी सारी चीज नहीं है, वो एक ही श्लोक है, वो एक ही श्लोक को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा ले और कहां पर किस चीज की बात हो रही है इस श्लोक में, यहां बात है, यहां पर ये बात है। अभी भक्ति से संबंधित ही बहुत सारे शब्द आने वाले, उत्तम भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, मिश्रित भक्ति, स्वरूपा भक्ति, इतनी सारी भक्ति होगी, एक ही भक्ति अच्छी तरह से नहीं हो रही, इतनी सारी भक्ति कैसे होगी। तो एक बहुत सारी भक्ति नहीं है, भक्ति एक ही है, इसका अलग अलग दृष्टिकोण बताया है। तो ये श्रवण कीर्तन है, नवदा भक्ति है और वैदिक साधना भक्ति के जो 64 अंग है वो शीलनम के भाव। फिर हमने देखा था आचार्य की कॉमेंट्री, जीव गोस्वामी की कॉमेंट्री देखा। तो जीव गोस्वामी बता रहे हैं शीलनम, पहला शीलनम क्या है, चेष्टा रूपा, चेष्टा मतलब वर्शिप, प्रैक्टिस, सर्विस, वर्शिप करना, पूजा करना, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना, सर सेवा करना। तो ये शरीर, मन और वचन से, इसको बोलते हैं चेष्टा रूपा भक्ति। कोई आपसे पूछे चेष्टा रूपा भक्ति क्या होता है, तो अरे कहाँ पढ़ा था सर ने, जबकि ऐसा कोई कठिन नहीं है, प्रभुपाद जी ने उसको बहुत ही सरल भाषा में इंक्लूड कर दिया। फिर दूसरा होता है भाव रूपा, कि प्योर इमोशंस है ना, शुद्ध भावनाएं। और एक शील का अर्थ हमने देखा था अभाव रूपा, अभाव रूपा मतलब जिसमें सेवा अपराध और नाम अपराध से रहित, सेवा अपराध और नाम अपराध से रहित। जब भी हम सेवा कर रहे हैं तो सेवा अपराध को हमें अवॉइड करना। तो ये चेष्टा रूपा, भाव रूपा और अभाव रूपा है ना। तो प्रभुपाद जी ने ये चेष्टा रूपा और भाव रूपा को अपने जो ये भक्ति रसामृत सिंधु की भूमिका है उसमें इंक्लूड कर दिया। किसी को बीच में समझ में नहीं आया, कुछ लोग चेहरे ऐसे हो रहे हैं कि पता नहीं कुछ नई चीज डिस्कस कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो शीलनम किया जाता है वो किसके अंतर्गत होता है, आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत होता है। जो भी हम भगवान के लिए सेवा करते हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होती है, है ना। महात्मा नाम सुमाम पार्थम दैवी प्रकृति आश्रय, और वो आध्यात्मिक कितनी मात्रा में होती है, हाँ जितनी मात्रा में शरणागति होगी उतनी मात्रा में हमारी सेवा स्पिरिचुअलाइज होगी, है ना। तो सब लोग सेवा करेंगे, सब लोग शरीर से, मन से, वचन से सेवा कर रहे हैं, एक ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन किसी की सेवा अधिक स्पिरिचुअलाइज है और किसी की कम। तो जैसे हमने उदाहरण देखा था कि श्री प्रभुपाद उनका हम कीर्तन सुनते हैं, किन्हीं अन्य भक्त का कीर्तन सुनते हैं या किसी अभक्त का कीर्तन सुनते हैं, तो वो सब शब्द के रूप में, इंस्ट्रूमेंट के रूप में सब एक है, लेकिन श्रील प्रभुपाद शरणागति है और एक नए भक्त है उनकी शरणागति है, और जो अभक्त है उसकी तो कोई शरणागति है ही नहीं, वो तो भोग की भावना से गा रहा है। तो जिनका हम सुनेंगे वही भावना हमारे अंदर चली जाएगी, है ना। हम वही जगदीश सिंह का सुनेंगे तो हमारी भोग करने की इच्छा और बढ़ जाएगी, हमारी और एंजॉयमेंट की टेंडेंसी आएगी, है ना। और कोई ऐसे कोई रॉक बैंड का सुनेंगे, इसमें गिटार चल रहा है, है ना, पियानो चल रहा है, है ना, बड़ा स्टेज शो हो रहा है और हरे कृष्णा पूरा एकदम चल रहा है और सुनने में बहुत मजा आ रहा
हरे कृष्ण ही तो है, उसमें क्या अंतर पड़ता है? सही तो है नहीं, उनके अंदर वो स्पिरिचुअलाइज हुई है कि नहीं है, वो केवल नाम ही है और कुछ नहीं है, और बस पीट रहे हैं इंस्ट्रूमेंट कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, है ना। जैसे वो श्लोक है, असाधु संगे भाई कृष्ण नाम ना होए, नाम अक्षर बाहरे बटे नाम कहु ना, कि असाधु संगे भाई नाम कहु ना हो। जो असाधु लोग हैं वो हरिनाम ले नहीं सकते, अभक्त लोग हैं हरिनाम ले ही नहीं सकते, लेकिन अभक्त तो लेते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं। बहुत सारे सिंगर हैं वो हरे कृष्ण मंत्र रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एल्बम बना रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं, असाधु संगे भाई नाम कहु, असाधु कभी नाम ले नहीं सकते, क्यों, क्या है उसमें, नाम अक्षर बाहरे बटे नाम कहु ना, केवल वो नाम अक्षर, नाम कभी है ही होली नेम है ही। जैसे भगवान को भक्ति सिद्धांत सेठ को समझाते हैं कि जैसे भगवान को हम बंदी नहीं बना सकते, भगवान क्या है, स्वतंत्र अभिज्ञ स्वराग, और भगवान और भगवान का नाम भी क्या है, एक है, तो भगवान का नाम भी क्या है, अभिज्ञ स्वराग, तो भगवान के नाम को हम कैप्चर नहीं कर सकते कि भगवान का अभक्त लोग हरि नाम लेंगे या ऐसा रॉक बैंड होगा जो भगवान का नाम ले रहा है, तो यस भगवान बाध्य है वहां पर आने के लिए, नहीं, भगवान क्या है, स्वतंत्र। भगवान अपने नाम में कब उपस्थित होंगे, जब उस भक्ति की शरणागति होगी, अगर उस भक्ति की शरणागति नहीं है वो कितना भी चिल्ला ले, कितना भी गला फाड़ ले, लेकिन वो हरि नाम है ही नहीं, वो केवल एक साधारण सॉन्ग चल रहा, और उसको अगर हम सुनेंगे तो हमारे अंदर भी वही भावना जाने वाली, हम हमारे अंदर वही है, और हमें लगेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें तो ऐसा, तो इसीलिए सभी जो भक्त हैं सही तरह से भक्ति कर रहे हैं उनके प्रवचन सुनना चाहिए, लेकिन किनके सुनना है किनके नहीं सुनना है, किनके कीर्तन सुनना है किनके कीर्तन नहीं सुनना, इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केवल शब्द या केवल इंफॉर्मेशन नहीं होती। कोई मान लीजिए हम लेक्चर सुन रहे हैं और कोई एकदम ऐसा लेक्चर चल रहा है एकदम जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे डिटेल्स हैं, बहुत एकदम स्कॉलरली लेक्चर चल रहा है, हमें लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा है, एकदम सब इन्फॉर्मेशन मिल रही, लेकिन वो भक्त की प्रॉपर शरणागति है कि नहीं है, वो सही तरह से गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं कि नहीं है, तब हमें वो लेक्चर सुनना है और वो ही कीर्तन सुनना है, नहीं तो कीर्तन सुनने में तो बहुत मजा आएगा या वैष्णव सॉन्ग सुनने में तो बहुत मजा आएगा, लेकिन मजा ही आएगा बस, उसमें प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, मजा आ जाएगा बस, लेकिन हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ लिख रहे हैं कृपा जी, दिस स्ट्रेंथ कैन बी स्पिरिचुअलाइज्ड बाय द मर्सी ऑफ बोथ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्ण। तो जो शीलनम है वो स्पिरिचुअलाइज कब होगा, प्रमाणिक गुरु और कृष्ण की कृपा से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। तो ये शीलनम अंतरंग शक्ति के अंतर्गत है, शरणागति पर निर्भर है, और तभी सारी क्रियाएं आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलाइज हो जाती। सिंपल उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर लोहे को अग्नि के अंदर रखा गया तो लोहा कैसा हो जाता है, उसमें अग्नि के समान गुण आ जाते हैं, लेकिन लोहे को आपने धुएं के ऊपर रख दिया तो क्या होगा, लोहे में अग्नि जैसे गुण आएंगे, काला हो जाएगा, वो काला हो जाएगा। प्रभुपाद एक उदाहरण और देते हैं कि आप कुकिंग करना चाहते हैं किसके ऊपर, धुएं के ऊपर, तो 300 साल तक भी कुकिंग धुएं के ऊपर रखेंगे तो वो कुकिंग नहीं होने वाला। तो उसी तरह से अगर जिस तरह से रॉड अग्नि में नहीं है, जितनी मात्रा में अग्नि है और जितनी तेज अग्नि है उसके माध्यम से उसमें अग्नि के गुण आएंगे, उसी तरह से हमारी शरणागति पर निर्भर करेगा कितनी हमारी एक्टिविटीज स्पिरिचुअलाइज्ड होती है, आध्यात्मिक होती है, और फिर हमें ऐसे ही भक्तों का संग करना चाहिए, ऐसे ही भक्तों से सुनना चाहिए, ऐसे भक्तों के कीर्तन सुनना चाहिए, सब भक्ति नहीं है। फिर एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी आता है
कि हरिनाम ही सब कुछ है, हरिनाम से सब कुछ हो जाएगा, है ना। और गुरु की भी क्या आवश्यकता है, आध्यात्मिक गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं, अनु वहां पे एक पॉइंट रह गया था कि ये गुरु, यस हरिनाम अपने आप में पर्याप्त है, हरिनाम किसी दूसरी चीज पर निर्भर नहीं है, लेकिन हम दीक्षा पर निर्भर है। हरिनाम दीक्षा पर निर्भर नहीं है, सॉरी हरिनाम दीक्षा के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन हम दीक्षा के ऊपर निर्भर है। क्यों? क्योंकि गुरु के माध्यम से ही जो हम नाम अपराध कर रहे हैं वो अपराध चलेगा। अगर केवल हम हरिनाम करेंगे, इतने ज्यादा एलिवेटेड है, इतने ज्यादा शुद्ध है कि हमारे अंदर कोई अपराध है ही नहीं, तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे तो बहुत ही कम, कोई होने नहीं वाला, बहुत ही रेयर। लेकिन हम दीक्षा के ऊपर निर्भर है। तो कोई कह सकता है, बाहर वाले बोलते हैं कि दीक्षा की क्या आवश्यकता है, गुरु की क्या आवश्यकता है, हरिनाम कलयुग में एक धर्म क्या है, हरिनाम, बस हरिनाम करते रहो, बस हरिनाम कर सकते हैं, लेकिन क्या हम पूरे समय कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं, या इस स्तर पर है कि हमारे अंदर कोई अपराध नहीं है, तो वो उसके लिए हमें व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसीलिए अनुशील, फिर अनुकूलेन, ये हो गया कृष्णानुशील, फिर अनुकूलेन, ये सारी एक्टिविटीज का कैसे करना है, फेवरेबली अनुकूल भावना से। तो इसमें रूपांतर धारक भक्ति का अर्थ है उन कृष्ण भावना भावित कार्यों को संपन्न करना जो कृष्ण के दिव्य आनंद के अनुकूल हो, है ना। तो हमने चर्चा किया था, तो इसमें हृदय में कुछ द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए, या मतलब जो उसका एटीट्यूड होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूं, जहां भी द्वेष की या हेट्रेड है ना, उस तरह से भावना होगी तो वो अनुकूल एटीट्यूड वो चला जाएगा। इसमें द सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ डिवोटी, तो तमोगुणी भक्ति नहीं होना चाहिए। कहने का सिंपल अर्थ है तमोगुणी और रजोगुणी भक्ति वो नहीं होना चाहिए। अगर तमोगुणी और रजोगुणी भक्ति है तो वो अनुकूल नहीं रहेगी। तमोगुण में क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, तमोगुणी भक्ति में क्या होता है, दम्भ है ना, ईर्ष्यालु, क्रोधी है ना, या दुर्भावना किसी के प्रति, भक्ति कर रहा है लेकिन उसके अंदर दुर्भावना है, क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, तो अनुकूल भावना नहीं। या किसी के अंदर पूजा लाभ प्रतिष्ठा उसकी भावना आ रही है तो फिर अनुकूल भावना नहीं है। तो ये बिहेवियर प्लीजिंग टू कृष्णा, द सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ होस्टिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ डिवोटी, ना दुर्भावना नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अनुकूल शब्द जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण था, तो यही अनुशीलन का क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसके द्वारा वो पूर्ण हो जाता है। तो ये भक्ति के क्या है, स्वरूप लक्षण, ये वास्तव में भक्ति है। कोई भी हमसे पूछे भक्ति क्या है, अनुकूलेन कृष्णानुशीलन, और उसको हमने समझा लिया, इसमें सब कुछ आ गया, इस डेफिनेशन में सब कुछ आ गया। फिर आगे अन्याविलासिता शून्य, भक्ति के तटस्थ लक्षण, जिसके द्वारा शुद्ध भक्ति की जो महिमा है और ज्यादा प्रकाशित हो जाती है। तो अन्याविलासिता शून्य में क्या आएगा, कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य सभी इच्छाएं भौतिक इच्छाएं कहलाती हैं। कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त बाकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब भौतिक इच्छाएं कहलाती हैं। तो सारी इच्छाओं को शून्य नहीं करना है, जड़ नहीं बनना है ना। योग चित्त, वो पतंजलि योग सूत्र है ना, कि सारी इच्छाओं को शून्य करना,
तो रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, सारी इच्छाएं शून्य नहीं करना, अन्य इच्छाओं को शून्य करना, अन्य अभिलाष शून्य, अन्य अभिलाषिता शून्य, ऐसा नहीं बोला रूप गोस्वामी, अभिलाषिता शून्य या अभिलाष शून्य, अन्य अभिलाष शून्य, अन्य अभिलाष शून्य मतलब भगवान की सेवा करने के अलावा जो इच्छाएं हैं वो सब शून्य हो, ठीक है। और सेवा करने के अलावा इच्छाएं क्या हो सकती हैं, एक इच्छा हो सकती है भोग और एक इच्छा हो सकती है त्याग, संसार को भोगना और संसार को त्याग, तो ये दोनों इच्छाएं क्या है, भौतिक इच्छा, भुक्ति और मुक्ति, दोनों इच्छाएं क्या है, ये सारी अन्य इच्छाएं, तो उसको क्या करना है, शून्य करना। और फिर हमने देखा था रूप गोस्वामी क्या होता है, अन्य अभिलाषी ता शून्य, तो ता जो शब्द जोड़ा है रूप गोस्वामी को किस लिए जोड़ा है, कि कभी ऐसी इच्छाएं है ना जो हमारा स्वभाव नहीं है लेकिन अचानक आ गई है ना, जो हमारे नेचर में अंदर नहीं है कि मुझे ऐसा करना है, कुछ एक्सीडेंट है, कुछ डेंजरस स्थिति है, स्वयं की आत्मरक्षा करना है ना, या हमारे स्वभाव बस, जैसे कल चर्चा हुआ अपि चेत दुराचार, तो स्वभाव बस हमारी कंडीशनिंग है एकदम से इच्छा, उस पर ना हमने कोई प्लानिंग किया था ना उस पर हम आगे चल के कल्टिवेशन कर रहे हैं, वो आई और चली गई। तो ऐसी इच्छा क्या है वो, उसकी वजह से ऐसा नहीं कि भक्ति में क्या आ गया, मिश्रण आ गया है ना। तो ये इसीलिए अन्य अभिलाषिता शून्य, ये ता सब जोड़ने से यह डेंजरस। और आचार्य ग्रंथ बताते हैं कि अगर डेंजरस सिचुएशन बना तो अगर भगवान को हम पुकार रहे हैं तो और किसको पुकार रहे, भगवान के अलावा और किसे पुकार, वही तो है जिनको हम पुकार सकते हैं, वही तो है जिनसे हम याचना कर सकते हैं, है ना। तो जब एक साधक भक्त पुकारते हैं तो कैसे पुकारते हैं, खुद की रक्षा के, तो वो शुद्ध भक्ति के अंतर्गत, जो सिद्ध भक्त हैं वो पुकारते हैं किस लिए, भगवान की महिमा के। जैसे हम देखते हैं कि द्रौपदी है तो भगवान को पुकार रही है रक्षा के, तो वो किस लिए पुकार रही है, कि भगवान अगर आपने आज मेरी रक्षा नहीं की तो लोग आपके ऊपर आरोप लगाएंगे कि भगवान अपने भक्तों को रक्षा नहीं करते, तो वो रक्षा के लिए याचना कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं मेरी रक्षा हो, क्यों, क्योंकि आपकी जो भक्त वात्सल्यता का गुण है उसमें कमी आ गई और लोग आपका आरोप लगाएंगे कि आपने अपने भक्तों की रक्षा नहीं की, इसीलिए आप मेरी रक्षा की। तो शुद्ध भक्त भी है वो भी रक्षा के लिए याचना करते हैं, है ना। तो कौन किस चेतना में कर रहा है वो तो उस स्तर को हम सोच ही नहीं सकते, अभी तो हमारे लिए ये स्तर है, इसीलिए हम साधन भक्ति डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में वो अन्य अभिलाषा नहीं है, तो ये अन्य अभिलाषिता शून्य हो। फिर ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम पर चर्चा करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना पड़ेगा, जो हमारे जीवन में हमेशा वो उसका लाभ मिलने वाला है, अगर वो कॉन्सेप्ट हम समझ गए तो भक्ति में अच्छी तरह से चलते रहे। तो भक्ति में दो चीजें होती हैं, एक होता है साधन और दूसरा होता है साध्य। साधन मतलब विधि, प्रोसेस, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े उसको बोलते हैं साधन। और भक्ति में हम चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर हमको क्या प्राप्त होगा उसको बोलते हैं साध्य, ठीक है। भक्ति कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, क्या मिलेगा वो साध, वो है साध्य। तो एक होता है प्रोसेस, एक होता है गोल। तो मिश्रित भक्ति कब होती है, जब साधन में मिश्रण आ जाता है या साध्य में मिश्रण आ जाता है उसको बोलते हैं मिश्रित भक्ति। तो इसीलिए हमको साधन और साध्य समझना महत्वपूर्ण, कि ऐसा तो नहीं हम बहुत बात कर रहे हैं कि मिश्रित भक्ति नहीं करना चाहिए, शुद्ध भक्ति करना चाहिए, लेकिन हमारी भक्ति में मिश्रण है, हम ही जो प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, या जो हम गोल लेके चल रहे हैं कि भक्ति करने से ये प्राप्त होगा वही हमारा प्रॉपर नहीं है,
तो मिश्रित भक्ति को खंडन कर रहे हैं, लेकिन खुद ही मिश्रित भक्ति कर रहे हैं। तो जो प्रोसेस है, जो रास्ता है, तो आचार्य विश्वनाथ ठाकुर उदाहरण देते हैं कि हमें सोने के महल के एक कक्ष में पहुंचना है, ठीक है, एक सोने का महल है उसके कक्ष में पहुंचना है। तो जो उसका रास्ता है वो भी सोने से बना हुआ है, उसकी जो सीढ़ियां हैं वो भी सोने से बनी, उसका जो दरवाजा है वो भी सोने से बना, और जब कक्ष में पहुंचे तो वहां भी सोना। तो यही है भक्ति। तो भक्ति में साधन और साध्य दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि भक्ति करने से कुछ हमें मिलने वाला है, तो हमारे साध्य में क्या आ गया, मिश्रण आ गया, या और कुछ करने से भक्ति मिलेगी तो साध्य में मिश्रण आ गया, हम और कुछ करेंगे उससे भक्ति मिलेगी, उससे हमारे भक्ति में मिश्रण आ गया, और भक्ति करने से और कुछ मिलेगा साध्य, हमारा गोल में मिश्रण आ गया। तो भक्ति कैसे मिलेगी, भक्ति से मिलेगी, और भक्ति करने से क्या होगा, भक्ति होगी। भक्ति किसी और चीज से मिल रही है तो गलत अंडरस्टैंडिंग, और भक्ति करने से और कुछ मिलने वाला है वो भी गलत अंडरस्टैंडिंग है। तो भक्ति से भक्ति आती है, प्रारंभिक श्रद्धा से साधन भक्ति में हम प्रवेश करते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि हम अगर खाना नहीं बांटेंगे या कुछ हम सामाजिक कल्याण कार्य नहीं करेंगे तो लोग भक्ति में नहीं आएंगे, तो हमें भक्ति के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। कोई भक्ति में कैसे आएगा, भक्ति से आएगा। भक्ति से कैसे आएगा, हरि नाम से आएगा, प्रसाद से आएगा, हरि कथा से आएगा। और हम सोच रहे हैं कुछ दूसरी चीज करने से वो भक्ति में आएगा, अगर ये दूसरी चीज हम नहीं करेंगे तो भक्ति में आ ही नहीं पाएगा। तो क्या हो गया, हमारे प्रोसेस में क्या होगी, मिश्रण। तो भक्ति प्रारंभिक श्रद्धा से भक्ति आती है, साधु संग आदर श्रद्धा तथा साधु संग। तो जब हम साधु संग लेते हैं, कैसे साधुओं का संग लेते हैं, जो रूप गोस्वामी के द्वारा बताई हुई उत्तम भक्ति कर रहे हैं उनका संग लेते हैं, तो हम कहां जाते हैं, साधन भक्ति में प्रवेश करते हैं। मतलब भक्ति किया हमने, और भक्ति करने से भक्ति, साधु संग किया, कुछ स्तर का उत्तम भक्ति करने वाले साधुओं का संग किया, और हम खुद साधन भक्ति में प्रवेश किए, और साधन भक्ति करने से क्या हुआ, हम प्रेम भक्ति का। तो वही सोने का रोड है, सोने की सीढ़ी है, सोने का दरवाजा है, और अंदर अंदर जाके भी क्या मिलने वाला है, वहां भी सोने मिलने वाला है। तो दो तरह से मिश्रण होता है, या दो तरह से भक्ति आवृत हो जाती है। आवृत मतलब कवर्ड, ढक जाती है। कैसे ढकती है, साधन में मिश्रण या साधन में मिश्रण। तो ये सभी हमारे आचार्य द्वारा समझा रहे हैं। साधन में कैसे मिश्रण होता है, भक्ति विल बी अराइज मेथड्स अदर देन भक्ति। तो भक्ति कैसे प्राप्त होगी आपको, भक्ति के अलावा दूसरी चीजें उससे प्राप्त होंगी। हम तपस्या करेंगे, हम बहुत सारे व्रत रखेंगे, उससे भक्ति प्राप्त हो नहीं होगी। हम चतुर्मास का अभक्त भी करते हैं, कर्मकांड भी चतुर्मास करते हैं, जो वर्णाश्रम को फॉलो करते हैं वो भी चतुर्मास करते हैं। तो क्या उससे भक्ति प्राप्त होगी, नहीं। भक्ति तो प्राप्त होगी साधु संघ से ही, और साधु संघ मतलब जो साधु उत्तम भक्ति को फॉलो कर रहे हैं। तो ये साधु, और साधन मिश्रण क्या है, भक्ति विच एम्स एट अचीविंग भक्ति इज प्रॉपर, एंड भक्ति विच एम्स एट अचीविंग अदर गोल्स इज इम्प्रॉपर। कितना सिंपल, भक्ति हम कर रहे हैं कुछ दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो वो गलत है, अब भक्ति प्राप्त कर किस लिए कर रहे हैं, भक्ति करने के लिए वो प्रॉपर। ओके, तो अभी कैसे ढकते हैं, कर्म से कैसे ढकेगी भक्ति, कर्म का मिश्रण कैसे आएगा भक्ति में। भक्ति कर रहे हैं किसके लिए, भोग प्राप्त करने के लिए। कई बार कोई कोई भक्त है या साधु है, किसी भक्त के घर में जाते हैं,
भगवान की बहुत कृपा है, भगवान की इतनी कृपा हुई कि हमारा बच्चा क्या है IIT में चला गया। कितनी भगवान हमारी भक्ति करने से वहाँ चला गया, भगवान हमारी अच्छा संपन्न है, हम बीमार नहीं हैं, कोविड भी नहीं हुआ इस बार, कोई सब हम अच्छी तरह भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति करने का लक्ष्य क्या हो गया? भोग प्राप्ति। यह भक्ति करने का लक्ष्य क्या होगा? एक सतोगुणी जीवन, एक शांतमय जीवन। तो ये क्या होगी भक्ति? किससे आवृत होगी? कर्म से आवृत होगी। इस आवरण हमारे ऊपर है, कोई हम तीसरे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारी हमारे ऊपर आवरण है, ठीक है। कर्म कांड या पुण्यशाली कार्यों से भक्ति प्राप्त होगी, है ना। हमारे जब तक हम कोई कर्म कांड नहीं करेंगे या हम पुण्य नहीं करेंगे, पुण्य करते जाएंगे तो भक्ति मिल जाएगी। पुण्यशाली होंगे तो भक्ति, यह पुण्य को और भक्ति को एक समान समझना। यह भक्ति के आने के बावजूद भी डर लग रहा है, अगर मैं देवी देवता को छोड़ दूंगा तो नाराज हो जाएंगे, पाप लग जाएगा मुझे, तो पाप लग जाएगा, तो नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। मतलब भक्ति की जो पोटेंसी है उसमें हमें विश्वास नहीं है। हम सोच रहे हैं कि भक्ति ही सभी तरह के पाप को पुण्य को नष्ट कर देगी, ये हमको विश्वास है ही नहीं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो भक्ति में आने से पहले जो जो हम कार्य करते थे अगर वो नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा, इसलिए वो भी करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण की भी आरती करना चाहिए, शनि महाराज की भी करना चाहिए, दुर्गा जी की करना चाहिए, अलग अलग सत्यनारायण की भी कथा करना चाहिए। क्यों? हमारे कुल देवता है, उनकी पूजा करना चाहिए, कुल देवता नाराज रहेंगे। क्यों? हमें भक्ति की पोटेंसी पर विश्वास नहीं है ना। तो भक्ति करने से भोग प्राप्त होगा, ये पुण्यशाली कर्म या कर्मकांड करने से भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति कर रहे हैं किसके लिए? पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए। भक्ति का लक्ष्य क्या हो गया? प्रभुपाद एक शब्द उपयोग करते हैं, सेल्फ एग्रेडाइजमेंट, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। तो क्या हो गई भक्ति? क्या हो गई? आग्रत हो गई। भक्ति किस लिए कर रहे हैं? भक्ति करने के लिए नहीं कर रहे, भक्ति कर रहे हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए। तो ये भक्ति कर्म से आग्रत हो गई। फिर हमारे जो वर्णाश्रम कर्तव्य है उसको हम भक्ति से श्रेष्ठ मान रहे हैं। वर्णाश्रम जो है भक्ति में सपोर्ट करता है, लेकिन वर्णाश्रम को हम भक्ति से ऊपर मान रहे हैं कि श्रवण कीर्तन से या हरिनाम से भी श्रेष्ठ क्या है? वर्णाश्रम। तो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण भक्त अच्छे भक्त, और जो शूद्र भक्त है वो नीचे वाले भक्त। ब्राह्मण भक्त बढ़िया भक्त, शूद्र भक्त, शूद्र भक्त शूद्र नीचे हैं। या वर्णाश्रम में भी बहुत सारे अलग अलग नियम होते हैं, है ना। तो उन सब चीजों को जो सेकेंडरी नियम है उनको श्रवण कीर्तन से या हरि नाम से ऊपर समझना, है ना। तो ऐसा नहीं कि वर्णाश्रम को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वर्णाश्रम को हम फॉलो नहीं कर रहे, फॉलो कर रहे हैं ये समझ के कि भक्ति के सपोर्ट में, ये भक्ति से ऊपर नहीं है। अगर भक्ति से ऊपर हमने मान लिया वर्णाश्रम को और हरि नाम को हमने कम जोड़ दिया, वर्णाश्रम को ज्यादा सोच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो कर्म मिश्रित भक्ति हो जाएगी, है ना। और भक्ति करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे, इसलिए हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। फिर ज्ञान से कैसे आवृत होती है भक्ति? भगवान में एकाकार होना, अल्टीमेटली ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं किसके लिए? भगवान में एकाकार होने के लिए, ब्रह्म में लीन होने के लिए, है ना। सारी इच्छाएं जीरो कर दो, सब कुछ जीरो कर दो, सब कुछ शांत कर दो, या मानसिक शांति के लिए भक्ति कर रहे हैं, या शून्यवाद, जैसे प्रभुपाद जी कल समझा रहे थे। फिर और आदि शब्द आया था, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान से आवृत, कर्म से आवृत और आदि से आवृत। अभी वो आदि क्या है वो तो बहुत सारा है, तो कुछ मैंने इसमें लिस्ट बनाई है। श्राद्ध, कल हमने चर्चा किया था श्राद्ध है, तो श्राद्ध क्या है? वेदों का भाव, शास्त्रों का भाव, लेकिन श्राद्ध नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा,
साधने की आप आकर दी, आप कैसे भक्ति होगी, करिए भाई पाप लगे। तो हमें भक्ति पर विश्वास नहीं, हमें पाप और पुण्य पर ज्यादा विश्वास होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का ग्रहण रूपा जी से बताएंगे, चैतन्य महाप्रभु गया में श्राद्ध करने गए, लेकिन वो तो बाहरी कारण था, आंतरिक कारण अलग था, क्योंकि उनको ईश्वरपुरी से दीक्षा लेना है ना। फिर वैराग्य है ना, वैराग्य की भावना है, तपस्या की भावना है, संसार को भोग नहीं करना है, उसकी भावना है ना। और उस वैराग्य के कारण हम भक्तों को नहीं देख पा रहे, ऐसे कई होते हैं कि अरे तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दो टाइम तीन टाइम प्रसाद दे रहे हैं, ये क्या तपस्या कर रहे हैं। तपस्या तो हम कर रहे हैं, एक पैर पर खड़े हुए हैं इतने साल से, हमारी इतनी बड़ी जटा है, इतने मीटर की जटा है हमारी, इतनी हम तपस्या कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या हो गया, वैराग्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, भगवान की सेवा क्या हो गई वो सेकेंडरी हो। फिर योग, योगासन, ब्रीदिंग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, यम नियम, तो ये सब भक्ति में हेल्प करते हैं, भक्ति के सेकेंडरी है, लेकिन इनको प्राइमरी समझ है ना। योगासन है, या योगासन किए बिना भक्ति नहीं हो पाएगी है ना। तो वो वास्तु, तो वास्तु भी शास्त्रों का भाग है ना। जैसे गोकुल चंदू बता रहे थे एक लेक्चर में कि एक भक्त है, किसी मंदिर में गए और वहाँ विग्रहों के दर्शन करने से पहले चालू हुआ कि यहाँ ये दरवाज़ा सही नहीं है, यहाँ पर ये विंडो सही नहीं है, इस दरवाजे को बाहर खुलना था, ये अंदर खुलना है, तो वास्तु की वजह से सब ये सब क्या है, गड़बड़ है यहाँ पर। तुमको भगवान के विग्रह नहीं दिख रहे हैं, और वो मंदिर सबसे अच्छा चल रहा है, उस मंदिर में जो लाइट बिल है एक महीने का 4 लाख रुपये, वहाँ पर एक व्यक्ति रखा गया है किसी कि जो सब इधर उधर ऑन है, कुछ पंखा लाइट, उसको बंद करने के लिए एक व्यक्ति रखा गया है, उसको सैलरी रखी गई। इतना ऑपुलेंट मंदिर है, लेकिन वास्तु ऐसा लगता है कि जान में उसको गलत बनाया गया, पूरा एकदम उलट पलट के। अभी कैसा बना, क्या हिस्ट्री है, इस्कॉन जुहू उसकी बात बता रहे हैं। तो इस्कॉन जुहू में जो वास्तु है वो एकदम उल्टा पलटा है, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ऑपुलेंट है, बहुत अच्छी तरह सेवा हो रही है। तो अभी मंदिर में हम प्रवेश करें और पूरा वास्तु ही देखने लगे, हम कुछ हरि नाम पे या हरि कथा पे ध्यान ही नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो फिर शुद्ध भक्ति में नहीं है। फिर चातुर्मास कल डिस्कस किया था, और चातुर्मास के नियम पालन कर रहे हैं, और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य भी कभी प्रचार के लिए आवश्यक है और चातुर्मास में किसी चीज़ का निषेध है तो वो कहते वो लो और प्रचार करने जाओ। यहाँ तक कि एकादशी में भी कई बार ऐसा हुआ कि आप एकादशी के भी अगर अन्य प्रसाद लेना पड़े, मतलब ये तो बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन प्रचार नहीं रखना चाहिए, सेवा नहीं रखना चाहिए। तो इससे हम एटलीस्ट ये बता लिया किस पे हमें ज़्यादा जोर देना, किस पे ज़्यादा बल देना। एकादशी में इतनी तपस्या कर ली, इतनी तपस्या कि अगले दिन सेवा ही नहीं हो पाई, या एकादशी के दिन इतनी तपस्या कर रहे हैं कि जिस दिन उस दिन कोई सेवा के लिए हो रहा है, नहीं प्रभु जी हम तो एकादशी व्रत हैं, हम तो निर्जला व्रत रखे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो वैराग्य तपस्या उस पे जाना हमारा जोर है, श्रवण कीर्तन या हरि नाम पर कमजोर। ज्योतिष, ज्योतिष में भी कि ज्योतिष में ऐसा है, कुछ ज्योतिष भी वेदों का भाग है, तो ज्योतिष में भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ होती हैं, लेकिन ज्योतिष के उस पर ज्यादा जोर देना। और हरि नाम है या गुरु शिष्य परंपरा है वो हमारा रक्षा करेगी, उस पर कम विश्वास। और ज्योतिष की जो अलग अलग चीज़ें हैं कि हमें वो कोई अंगूठी पहनना है, या हमें कुछ रॉकेट पहनना है ना, या घर के किसी कोने में ये नारियल रखना है, या घर के ऊपर कुछ लटकाना है, कुछ नींबू लगाना है, तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान चल रहा है। हरि नाम पर कम जोर है, लेकिन अंगूठी पर, लॉकेट पर, ये बाली पर वो ज़्यादा जोर चल रहा है। क्यों? क्योंकि उससे हमारी रक्षा होगी, क्योंकि घर में क्लेश है, तो क्लेश को कैसे हटाएं, ज्योतिष के पास गए, ज्योतिष ने बोला ये ट्रीटमेंट करा है ना कि आप 5 सफ़ेद चीज़ें दान में दीजिए, हम दूध देंगे, चावल देंगे, तो उसी में पूरा ध्यान चल रहा है कि 5 सफ़ेद चीज़ क्या दान में देना, या 11 चीज़ें घर में ये होना चाहिए,
तो वो 11 चीजें जुटाने लगे हुए। तो वो सब ऐसा नहीं है कि शास्त्र में नहीं दिए, वो शास्त्र में हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये प्राइमरी मेथड क्या है, हरिनाम। फिर वर्णाश्रम, तो ये वर्णाश्रम की जो कर्तव्य है वो उसको हम ज्यादा श्रेष्ठ समझ रहे हैं। ये शुष्क ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा शरीर का ज्ञान पता है, लेकिन आत्मा शरीर का ज्ञान पता है, भगवान की शक्तियों का ज्ञान पता है, लेकिन भगवान की सेवा का ज्ञान नहीं पता, भक्ति का ज्ञान नहीं पता, तो वो भी ज्ञान आवृत कर देते हैं। अगर ये नहीं करूंगा तो पाप लग जाएगा, है ना, अगर ऐसा नहीं किया तो पाप लग जाएगा। और सामाजिक कल्याण का, कि सामाजिक कल्याण कार्य से ही बड़ी मात्रा में लोग भक्ति में आ सकते हैं, अगर सामाजिक कल्याण कार्य नहीं करेंगे तो लोग भक्ति में कैसे आएंगे। तो वही है, भक्ति का प्रचार करने के लिए हमें भक्ति पर श्रद्धा नहीं है, हमें अन्य कार्यों पर श्रद्धा है। तो भक्ति में भी ज्ञान की आवश्यकता है, कौन से ज्ञान की आवश्यकता है, संबंध ज्ञान की आवश्यकता है। अब भक्ति में भी कर्म की आवश्यकता है, कौन से, आध्यात्मिक क्रियाएं, सेवाओं की, प्रैक्टिकल सर्विसेज या श्रवण कीर्तन, उसकी आवश्यकता। तो यहां पर विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर लिख रहे हैं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, हियर वर्ड शून्यम इज नॉट यूज्ड। यहां ऐसा नहीं बताया ज्ञान कर्मादि शून्यम, ऐसा भी बोल सकते अन्य विलासिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि शून्यम, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर ज्ञान कर्मादि अनावृतम, बिकॉज इंटेंशन इज फॉरबिड ओनली दैट टाइप ऑफ कर्म एंड ज्ञान विच कॉन्सिक भक्ति, केवल उन्हीं कर्म और ज्ञान को निषेध बताया गया है जो भक्ति को ढक लेते, जो भक्ति में सहायता करते हैं उन कर्म और ज्ञान को निषेध नहीं बताया। तो ये है तटस्थ लक्षण, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ये इससे भक्ति पूरी होती। तो ये है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। हाँ, एक तरह से ज्ञान और कर्म की अभिलाषा, लेकिन वो आवृत इसीलिए जोड़ा गया कि कुछ ज्ञान और कर्म ऐसा है जो भक्ति में हमें हेल्प करने वाला। यहाँ पे इन जनरल अन्य अभिलाषा मतलब दो कैटेगरी, भोग और त्याग, और फिर उसके डिटेल में जाएंगे तो कर्म, ज्ञान, योग, सिद्धि, उससे वो आवृत नहीं होना चाहिए। क्यों? कुछ मात्रा में जो भक्ति से संबंधित है उसकी आवश्यकता हो, जैसे युक्त वैराग्य है, संबंध ज्ञान है। शून्य मतलब भोग करने की इच्छा और मुक्ति की इच्छा, वो शून्य। हाँ, उसको इन जनरल भगवान की सेवा करने के अलावा जो भी इच्छाएं वो शून्य है, उसमें सब कुछ सामने आता है ज्ञान कर्म योग से। लेकिन फिर आगे ज्ञान कर्मादि अनावृतम क्यों है? क्योंकि संबंध ज्ञान, जो भगवान की सेवा सीखने वाला ज्ञान है या भगवान की सेवा करने वाला जो कर्म है, वो शून्य नहीं है। हाँ, तो उसको और एम्फेसाइज कर और उसको सही कॉन्टेक्स्ट में समझाने के लिए। उसी तरह से है जैसे अनुशीलनम, तो अनु में गुरु के अंतर्गत रहना, लेकिन फिर भी गुरु गोस्वामी अनुकूलन लगा रहे कि उसको और फाइन ट्यून करने के लिए। तो इसी तरह से अन्याभिलाषिता शून्यम है, लेकिन उसको थोड़ा तो और विस्तार से बताने के लिए ज्ञान कर्मादि अनावृत। तटस्थ लक्षण, नीचे वाला वाक्य जो है स्वरूप लक्षण, ये कैसे है, इसमें भेद क्या हो रहा है, दोनों में अंतर क्या है? तो भक्ति है क्या? वो अनुकूलन कृष्णानुसरण, सेवा करना, और क्या नहीं है वो है तटस्थ लक्षण। निवृत्त
हाँ क्या है और क्या नहीं है। तो प्रश्न ये है कि जैसे लोगों का हम सुनते हैं, जैसे प्रोफेशनल सिंगर हैं तो उनका हम सुनेंगे तो वो भावना आएगी, तो इसी तरह से हम ड्रामा जब करते हैं तो उसमें जो हम बैकग्राउंड म्यूजिक लेते हैं तो वो भावना आएगी। तो वैसे तो ट्रेडिशनली जो ड्रामा होते थे लोग याद करते थे, याद कर रहे हैं और खुद डायलॉग बोल रहे हैं, और साथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो उसको बीच में, जैसे रामलीला होती थी तो रामलीला में तो उस तरह से नहीं है कि पहले से प्री रिकॉर्डेड है, वहाँ डायलॉग बोल रहे हैं और साथ में चल रहे हैं। तो यस, सबसे बेस्ट तरीका तो वही है ड्रामे का, जिसमें हम खुद डायलॉग याद करें और साथ में ऐसी टीम हो जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकाल सके। इसीलिए गोपाल जी बोले कि ड्रामा जो कर रहे हैं भक्तों के द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि भक्तों के द्वारा होगा तो वो चेतना, वही चेतना देगा। तो बेस्ट तो यही है कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी भक्तों के द्वारा हो, रिकॉर्डिंग भी भक्तों के द्वारा हो और एक्टिंग भक्तों के द्वारा, तो पूरा प्रभाव पड़े। तो कुछ पार्ट लेना पड़ता है ऐसी परिस्थिति को देखकर, लेकिन उसको हम ऐसे प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि हम जब ड्रामा पूरा हो गया तो भी हम वही बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हैं, इस तरह से वो उसका प्रमोशन नहीं है, इसीलिए यूज किया जा रहा है। रेगुलर में तो हम नहीं सुन रहे, जैसे कीर्तन है या हरि कथा जिनसे हम सुन रहे हैं, जिनके कीर्तन सुन रहे हैं, तो एक वो रेगुलर एक्टिविटी है। ड्रामा एक एक बहुत बड़ी भगवान कृष्ण की अलग अलग सेवा उसमें से एक पार्ट है, और जैसे बताया कि आइडियली तो वही होना चाहिए कि हर चीज़ भक्तों के द्वारा ही होना चाहिए। कृष्ण प्लस अनु प्लस सीलमा, आप थोड़ा लेट आए सर सीने, कृष्ण अनु सीलमा, कृष्ण का अलग शब्द है अनु अलग सीलमा, नहीं तीनों अलग ही शब्द हैं, जो अनु है वो कृष्ण और सीलनम को जोड़ता है, ऐसे जो अनु है ये कि कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं, किनके माध्यम से, गुरु के माध्यम से, जो सेवा कर रहे हैं कृष्ण के लिए वो किसके माध्यम से, पूर्ववर्ती आचार्यों गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम। तो अनु शब्द क्या है, कृष्ण और सीलनम को आपस में जोड़ो। हाँ कई चीजें ओवरलैप होंगी इससे, श्रीराम में भी अनुकूल ओवरलैप होने वाले हैं। गुरु शिष्य परंपरा, हाँ नहीं वो कृष्ण का अर्थ, ये कृष्ण का अर्थ, हाँ कृष्ण और कृष्ण से संबंधित, लेकिन अनु मतलब उनके अंडर में दीक्षा, ये पूर्ववर्ती आचार्यों के अंडर में, मतलब एक तरह से वो थोड़ा सा ऐसे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, अब उसको कैटेगराइज करने के लिए डिस्कशन है। कृष्ण ना कृष्ण से संबंधित, और कृष्ण से संबंधित अनु में भी आ रहा है क्योंकि वो गुरु वाला पार्ट आ रहा है, तो एक तरह से वो थोड़ा सा ओवरलैप होता है। नहीं फिर दो बार अनु हो जाएगा, दो बार अनु नहीं, आप बोले कृष्ण अनु अनुशीलन, तो वो कैसे, कृष्ण अनुशीलन
हाँ हाँ तो कृष्णानुसीन कृष्णानुनुशीलन और किसी को प्रश्न जोड़ दे रहे हैं और उस पर नहीं दे रहे हैं तो वो आवरण आ गया, तो ऐसा नहीं। धाम यात्रा तो एक भक्ति का अंग है कि धाम में जाकर सुनना, अलग अलग लीला स्थली देखना, भक्तों का संग करना, लेकिन वो केवल वहीं जाके कर रहे हैं, घर पे आके नहीं कर रहे, तो उनकी गलती, वो समझे नहीं। और किसी को कुछ आप बोल दीजिए, कोई एक भक्त रहे माइक थोड़ा सबको देने के लिए। प्रश्न है कि अभी ऑनलाइन के युग में बहुत सारे लेक्चर हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे स्पीकर हैं, तो हम किनका सुने किनका नहीं सुने। तो अच्छा है कि हम किसी से व्यक्तिगत गाइडेंस में रहें, और जब भी हम किसी ग्रुप में जा रहे हैं या किसी का सुनने जा रहे हैं, किसी का कोर्स अटेंड करने जा रहे हैं, तो उन भक्त से हम पूछ लें कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने पहले तो हमने कोर्स ज्वाइन कर लिया, बहुत सारा कोर्स हो गया, और उसके बाद पता चला अरे ये तो सही नहीं था, और फिर हम सोच रहे अभी क्या किया जाए। तो बेटर है वो उस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले वो सुन ले। और श्री प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं या रूम कन्वर्सेशन, वही इतने सारे हैं, अगर वही हम सुनेंगे तो बाकी चीज़ सुनने का समय कहाँ रहेगा। प्रभुपाद जी के लेक्चर हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, उसी को पढ़ने वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो सबसे पहले वाला प्राइमरी फोकस तो ये होना चाहिए प्रभुपाद जी की बुक्स, प्रभुपाद जी के लेक्चर। लेकिन उसमें आता है कि कई चीज़ें उसमें समझ में नहीं आती हैं, तो कोई तो होना चाहिए। तो इसीलिए जो जिन हम भक्तों के अंतर्गत हैं उनसे पूछ कर फिर हम ऑनलाइन के सिंधु के अंदर जाए, नहीं तो उसमें हम डूब जाएंगे। हम भक्ति रस अमृत के सिंधु में नहीं होंगे, ऑनलाइन के सिंधु में जाके आत्महत्या कर लेंगे। इसीलिए सबसे नहीं सुनना चाहिए, हो सकता है वो सही बता रहे हैं लेकिन हमको वो आवश्यकता नहीं, हो सकता है वो हमको जरूरत ही नहीं है वो सुनने की, क्योंकि अलग स्तर। और कभी कभी क्या होता है कि वो हमको आवश्यकता नहीं है, वो हमने सुन लिया और पालन तो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हमें एक तरह का अहंकार आ जाता है कि हमें तो इतना नॉलेज है। तो बेसिक ही डिस्कस होता है भागवतम क्लास में, या जो भक्त लोग डिस्कस करते हैं वो बेसिक है। हमने तो पूर्ववर्ती आचार्यों की बहुत सारी टीकाएं भी सुन रखी हैं, कर कुछ नहीं रहे, कोई व्यक्तिगत कुछ योगदान नहीं है मूवमेंट के लिए, लेकिन तो इसके लिए वो भी डेंजर हो जाता है। तो बेटर है जिन भक्त के प्रति हमारी श्रद्धा बैठी है, जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं, उनसे हम पूछ लें कि हमें ऑनलाइन में ये सुनना है कि ये नहीं सुनना। अगर हम सुनेंगे नहीं तो ऐसा नहीं कि उन भक्त के प्रति अपराध कर रहे हैं, ऐसा कि मन में आता है कि अपराध नहीं हो जाएगा प्रभु जी के प्रति, माता जी के प्रति, नहीं। हम जहाँ से हम जुड़े हैं उनसे हम पूछ लें।
जैसे बताएं कि आध्यात्मिक से सेवा करते हैं तो उससे पता चलता है कि आध्यात्मिक सेवा है कि शरणागति से, लेकिन मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि शरणागति कितनी है कितनी नहीं है? हमें कुछ इस तरह पता चल सकता है, जैसे हमने ये डिस्कस किया अन्नाविलासिता शून्य, तो ये हमें इस स्तर पर रह के हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट हम समझे हैं, और फिर जो हमसे जो वरिष्ठ भक्त हैं वो देख सकते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, ये भक्ति करना है कुछ और सोच के आए और कुछ करने आए, या भक्ति हमें प्राप्त होगी किसी दूसरी चीज से, भक्ति से प्राप्त नहीं होगी, तो वो चेक हो जाए। वही अनुकूल लेना भाव, मतलब अभी हमारे लिए भाव मतलब अनुकूल है, अनुकूल तरीके से फेवरेबली, उसमें द्वेष उसकी भावना नहीं। इन जन में जो भाव होता है वो तो बहुत स्टेज ऊपर स्टेज है, भाव भक्ति की स्टेज, तो हम हमारा एटीट्यूड क्या है, अनुकूल फेवरेबल। हाँ, इसमें एक चीज रह गया लिखना, जैसा गुरु चाहते हैं या जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसे सेवा करना, उसको बोलते हैं अनुकूल। हम पूरा संयम कर रहे हैं लेकिन अपने तरीके से कर रहे हैं, तो वो फिर अनुकूल नहीं होगा। इसमें दो पैराग्राफ बचे हुए हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं फटाफट, और ये आज प्रस्ताव भूमिका पूरा हो जाएगा। तो भूमिका में अभी जैसे हमने चर्चा किया था कि रूप गोस्वामी कुछ भी बता रहे हैं उसको शास्त्र से सपोर्ट कर रहे हैं, तो रूप गोस्वामी ने ये परिभाषा बता दिया, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बता दी, लेकिन ये शास्त्र में और कहीं है कि नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए बता रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी ने नारद पंचरात्रि की एक निम्नलिखित परिभाषा भी उद्धृत की है, मनुष्य को समस्त उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण भावना में द्वारा समस्त भौतिक कर्म से शुद्ध हो जाना चाहिए। कौन सा श्लोक? सर्वोपाधि विनिर मुक्तम तत्परत्व निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति। तो अब सबके लिए होमवर्क है कि ये जो श्लोक है और ये अन्याविलासिता शून्य में श्लोक है, ये कैसे इक्वल है ये ढूंढ के लेके आना, कैसे अन्याविलासिता को दूसरा संस्कृत शब्द क्या है, सर्वोपाधि विनिर मुक्तम तत्परत्व, अनुकूल कहाँ पर आ रहा है, ज्ञान करने वाला जी अनावृतम कहाँ रहा है, वो सब उसमें है, लेकिन ढूंढ के लिए समय कम है इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे। उसे फिर से अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए जिससे वह अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगा सके। अतः जब हमारी इंद्रियां इंद्रियों के वास्तविक स्वामी के लिए लग जाती हैं तो उसे भक्ति कहते हैं, शुद्ध इंद्रियों के द्वारा। हमारी मत अवस्था में हमारी इंद्रियां शारीरिक मांगों की पूर्ति में लगी रहती हैं, किंतु जब ये इंद्रियां कृष्ण के आदेशों को पूरा करने में लगा देती हैं तो ये कार्य भक्ति कहलाते हैं। फिर ये ऊपर आवृत के बारे में फिर बता रहे हैं, आवृत मतलब उपाधि। जब तक मनुष्य अपने आप को किसी एक परिवार किसी समाज या किसी व्यक्ति से संबंधित मानता है तब तक उसे उपाधि से आवृत कहा जाता है, अलग अलग उपाधियों के आवरण लग जाते हैं, किंतु उसे जब पूर्णतः ज्ञान हो जाता है कि वह किसी परिवार समाज या देश से नहीं अपितु कृष्ण से नित्य संबंधित है, तब उसे अनुभूति होती है कि उसे अपनी शक्ति का संप्रयोग कथा कथित परिवार समाज या देश के हितों में न करके कृष्ण के लिए करना चाहिए। यही उद्देश्य की शुद्धता है, प्योरिटी ऑफ पर्पस, तो ये क्या है, अनुकूल्य। और कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति पद भी है, उद्देश्य की शुद्धता। तो ये यहाँ पर भूमिका समाप्त होती है। हरे कृष्ण। तो ट्यूसडे के दिन दोपहर में दोपहर के प्रसाद के बाद आमुख और भूमिका के ऊपर एग्जाम होगा 4 बजे से। इसको पढ़िए और बनाइए, एग्जाम के बाद प्रेजेंटेशन, नहीं तो फिर हम मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, ले लीजिए, वो तो पूरे नोट्स भी सबको दे दिए जाएंगे।
जी वो तो केवल अखिल दशा में सिंधु उसके ऊपर थे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। भक्ति दशा में सिंधु की जय।